आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं रमजान में राहजनी की वारदातों को रोकने के लिए डीएसपी कोतवाली ने हिकमत अमली तश्कील दे दी है। तंग गलियों में अब पुलिस पैदल गश्त करेगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज आजम रहमान से। बिल्कुल, रमजानुल मुबारक जैसे कि आपको पता है शुरू हो चुका है। पिशावर में आम तौर पे हमने देखा कि पिछले रमजानुल मुबारक में भी जो राजधानी के वाकयात हैं उनमें इजाफा हुआ था। इस साल जो है रमजान से पहले ही इन वाकयात में इजाफा हुआ है। डीएसपी कोतवाली हमारे साथ मौजूद है, नया इन्होंने चार्ज संभाला है। इनसे पूछेंगे कि रमजान में सर इस किस्म के वाकयात को कैसे टैकल किया जाएगा, कैसे रोका जाएगा? हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है रमजान के लिए और एक साल दो साल का हमने एनालिसिस किया है कि कौन कौन से ऐसे हॉटस्पॉट्स है या टाइमिंग है जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होती है। तो हमने स्ट्रेटजी बनाई है जो हमारे हाई ऑफिस है उनके डायरेक्शन पे ज़्यादा क्राइम होते थे वहाँ पे हमने प्रॉपर नाकबंदियाँ लगा दी है। जैसे कि डीएसपी कोतवाली जो है इनकी आपने बातें सुनी, उनका ये कहना था कि शहरियों को किसी किस्म की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रमज़ान में जो पुलिस है वो अपनी बखूबी मेहनत कर रही है, ओवर ड्यूटी कर रही है, रोजे की हालत में भी ड्यूटी कर रही है सिर्फ इसलिए कि शहरी जो है बिल्कुल सुकून से रहें।